हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आज मैं एक हटके से टॉपिक ले रहा हूं। ये आपके पोर्शन में, आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा टॉपिक ले रहा हूं। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप लोगों से इनडायरेक्टली मिलके। मेरा जो आप वीडियोस देख रहे हैं, मुझे जो आप कमेंट्स कर रहे हो, मुझे बहुत हद से ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं कुछ यहाँ पे जो मुझे कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स डिस्कस भी करना चाहता हूं, और उन कुछ मुझसे हो सकेगा जो, तो आई विल हेल्प दैट। सबसे पहला मैंने लिया लेटेस्ट भट्ट अल्ताफ ने मुझे लिखा है, इनफ मैथ मटेरियल, सर प्लीज मैथ्स का मटेरियल ज्यादा से ज्यादा डालिए। ओके भट्ट अल्ताफ जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आपको अल्ताफ जी, आपको एक बात बोलूं मैं, आपको जो लगे कि ये पार्टिकुलर क्वेश्चंस मुझे चाहिए या ये पार्टिकुलर टॉपिक मुझे चाहिए, तो मैं गारंटेड वो डालूं। ओके, दूसरा कमेंट है मुझे मुजफ्फर वानी ने पूछा है, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स, लाइक मेंसुरेशन में शॉर्टकट्स। एक्चुअली मैंने किसी एक वीडियो में थोड़े से शॉर्टकट्स बताए थे मुजफ्फर जी, लेकिन मैथ्स में शॉर्टकट्स उतना ज्यादा काम नहीं करते जितना बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं। सो कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट जो है कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एज कंपेयर टू के हम शॉर्टकट में जाएं। शॉर्टकट में जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद जीतना आसान है। ओके देन राइट पाथ करके कोई है, राइट पाथ उन्होंने मुझे बोला है सर्कल, रोम्बस और ट्रेपेजियम, इन तीनों चीजों पे मैंने कम क्वेश्चंस डाले हैं। मे बी राइट पाथ जी, आई विल टेक योर पाथ, मैं आपके रास्ते पे चलूंगा और मैं जरूर सर्कल, रोम्बस और ट्रेपेजियम के और भी क्वेश्चन डालूंगा। और जो आपने मुझे ये भी कहा है कि वो एक कोई आईएएस का क्वेश्चन था जिसमें आपने कहा है कि 3x 3y कैसे बने और y+3y वगैरह जो भी वो क्वेश्चन था, अगर आपको वहां से वो क्लैरिफाई नहीं हुआ था तो दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन विच आई शुड एक्सप्लेन अगेन एंड आई विल डू इट। ओके मिस्टर राइट पाथ जी। ओके तो राइट पाथ जी, आपका क्वेश्चन जो ये कहा है कि x x x 3 y कैसे बना या जो भी, ये एक्चुअली किसी एग्जाम में आया हुआ आईएएस का क्वेश्चन है। इसमें बात ये हुई थी, इसमें कहा गया था कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 4320 स्क्वायर मीटर है। ओके दिस वाज द टोटल एरिया, आराम से समझिएगा, टोटल एरिया आपके पास गिवन है 4320 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर या यूनिट मुझे याद नहीं है एक्चुअली, जितना भी स्क्वायर मीटर में ले रहे हैं हम। ओके अच्छा, उसने कहा कि उस रेक्टेंगल में हमने स्क्वायर प्लॉट बनाने शुरू कर दिए, एक स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट स्क्वायर, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, हमने एज फार एज पॉसिबल बड़े बड़े स्क्वायर बनाने की कोशिश की, तो तीन स्क्वायर बने, तीन स्क्वायर बनाने के बाद जो लैंड बची उसको हमने क्या किया, पहले बोला था हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा करके स्क्वायर बनाए, उसके बाद बोला कि जो बाकी का प्लाट बचा वो छोटा सा बचा उसको हमने इस तरह से लाइंस ड्रा करके तीन और स्क्वायर बना लिए, इस कदर कि हमारे पास टोटल जो भी जितना भी प्लाट था वो सारा यूटिलाइज हो गया। ये शक्ल से दिख नहीं रहे हैं लेकिन इनको भी आपने स्क्वायर मानना है कि ये भी तीनों स्क्वायर है। ओके अब जो तुम्हारी एक्स और वाई की बात थी वो ये है, मैंने ये कहा कि ये पूरा जो प्लाट था ना, इस पूरे प्लाट की लेंथ को हम लेते हैं, अगर कुछ भी वैल्यू लेते हैं पूरे प्लाट की लेंथ को, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस एक स्क्वायर इज ए फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यू मे नो दैट, तो अगर हम इस एक स्क्वायर को पकड़े और हम बोले कि मान लो इसकी साइड एक्स मीटर है, तो इसकी ये साइड भी एक्स मीटर होगी, ये साइड भी एक्स मीटर होगी,
इज इट क्लियर? मुझे याद नहीं मैंने वहां पे कैसे सिखाया था, लेकिन एक्स मीटर इसकी ये साइड, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, सो दिस साइड विल आल्सो बी एक्स मीटर. क्लियर? अब अगर ये एक्स है तो वहां पे कहा गया कि इक्वल इक्वल स्क्वायर्स, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, राइट? हमें नहीं मालूम कि ये कितना है, लेकिन ये मालूम है कि ये भी स्क्वायर है. इसको हम एक्स नहीं ले सकते, ये समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर इक्वल लेंथ के हैं. ओके, तो इस दूसरे स्क्वायर, ये जो दूसरा स्क्वायर बना, इसकी लेंथ को हम वाई मानते हैं, तो अगर इसकी ये साइड वाई है तो ये भी वाई होगी. इज इट क्लियर? ये भी वाई होगी और ये भी वाई होगी. ओके, तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तीन वाई है हमारे पास. भाई साहब, राइट पाथ जी, रेक्टेंगल में हमारा मेन क्वेश्चन एक रेक्टेंगल है. एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यू मे नो, एंड इफ यू डोंट नो यू हैव टू नो. एक रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर. सो ये जो एक्स है, ये साइड हमने एक्स मानी थी, इस साइड ये साइड हमारी एक वाई, दो वाई, तीन वाई, थ्री वाई, इसलिए मैंने वर्ड लिखा था x इक्वल टू थ्री वाई, या अगर मैंने वहां पे इस साइड को y और इसको x लिया हो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट ये x जो है थ्री वाई के इक्वल है. डू यू एग्री विथ दिस? मुझे कमेंट में लिख लेना प्लीज. है ये x जो है ये तीन वाई के इक्वल हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, तो x जो है थ्री वाई के इक्वल है, तो इस वजह से मैंने इस x की जगह पे थ्री वाई लिखा. क्यों? क्योंकि x जो है वो 3y के इक्वल है. अगर ये x 3y के इक्वल है तो ये भी 3y के इक्वल है और ये भी 3y के इक्वल है. इज इट क्लियर? अब इससे क्या फायदा हुआ हमें, इससे ये फायदा हुआ कि हमारी लेंथ जो है टोटल लेंथ जो बनी हमारी y प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3y, ये टोटल लेंथ किस चीज की, जो ओरिजिनल प्लॉट था जब वो रेक्टेंगुलर था, तो ये वाई, ये थ्री वाई, ये थ्री वाई, ये थ्री वाई, कुल मिला के 10y बना. इज इट क्लियर? और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को हम एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक वेरिएबल के साथ जाएंगे. एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल ढूंढना मुश्किल है एज कंपेयर टू वन वेरिएबल. सो हमारी ब्रेड्थ जो है 3y है. नाउ इज इट क्लियर? क्वेश्चन ने बोला था ये पूरी रेक्टेंगल जो है उसका एरिया 4320 स्क्वायर मीटर है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 4320 यूनिट नहीं लिख रहा हूं. लेंथ कितनी बोली हमने, 10y इनटू ब्रेड्थ 3y इक्वल टू 4320, मतलब 30y स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4320 आया. वाई स्क्वायर आया हमारे पास 4320 अपन 30, ये जीरो जीरो कैंसिल, 3 1s are 3 1s are, 3 4s are 12, 3 4s are 12, वाई स्क्वायर हमें मिला 144. सो वाई इज रूट ऑफ 144, सो रूट ऑफ 144 इज 12. Y हमें 12 मिला, Y 12 मिला का मतलब 1 2 3, ये जो साइड थी इसमें 3 y है, तो 3 y मतलब 3 into y क्या मिला 12, तो 36 मीटर हमारी ब्रेड्थ हो गई. बॉस ब्रेड्थ कितनी हो गई, 36 मीटर. और लेंथ कितनी हो गई, लेंथ में आपके पास 10y है, कितने 10y, सो 10 इंटू वाई वी गॉट एज 12, सो इट इज 120 मीटर. आई होप समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा बॉस तो दोबारा कमेंट में मुझे लिख लेना, आई विल हेल्प यू. ओके, डोंट वरी. उसके बाद राइट पाथ के बाद आसमा फारूक जी हैं कोई, उन्होंने मुझे कहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन और इन्फ्लेशन
पे टॉपिक डाल दो। तो आज मैंने इन्फ्लेशन पे टॉपिक डाल दिया है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन आई विल डू एज अर्ली एज पॉसिबल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। पंकज कुमार है कोई, पंकज कुमार ने कहा है NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट और जियोग्राफी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं, आई एम MSc इन जियोलॉजी एंड लवर ऑफ मैथमेटिक्स, आई लव मैथ्स। सो ये ऐसी कॉम्बिनेशन हो गई है, ज्योग्राफी भी मैं ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी भी पढ़ा हूँ, बॉटनी जुआलॉजी भी आती है मुझे, डोंट वरी, केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत। तो एक्चुअली टीचर हूँ, 92 से टीचर हूँ, टीचिंग में ही हूँ, तो दैट्स वाई। सो पंकज कुमार जी, आपका NAM और जियोग्राफी का भी, अगर जियोग्राफी का भी आप पार्टिकुलर टॉपिक लिख के मुझे भेजेंगे तो आई विल डू दैट ऑल्सो। ओके, सबीर हुसैन, आई थिंक ही मस्ट बी शबीर, SABIR, सबीर हुसैन जी ने कहा है पंचायत राज। हाँ, ये एक्चुअली बाकी लोगों ने भी कहा है, तो पंचायत राज में जरूर करूंगा। और सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो मैंने लेटेस्ट वाले पकड़ के आइडिया आ गया कि मैं आई शुड डू दिस, आई एम डूइंग, सो डोंट माइंड अदर्स प्लीज, यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नंबर वन। एंड नंबर टू, आपको एक राज की बात बता दूं, देखो इस वक्त सिर्फ मेरे 1400 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और मैंने रिसेंटली एक महीना पहले शुरू किया है। बहुत सारे चैनल हैं, एजुकेशनल चैनल जो आपको पढ़ा रहे हैं। अभी आप एंटी की बात देखो कि कितनी पोस्ट्स हैं, यू नो बेटर देन मी बिकॉज आई डोंट नो कितनी है, लेकिन मेरे नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा 200 होंगी, 200, 300 रखो, 400 होंगी, 400 से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। सिर्फ 1400-1500 सब्सक्राइबर मेरे हैं, और मैं अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा हूं कि मेरा हर स्टूडेंट क्वालिफाई करे, फिर भी लगेंगे तो 200 ही ना, जितनी पोस्टें हैं उतने ही लगेंगे ना, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, तो वो कौन लगेगा, इस बात पे ध्यान दीजिए, हु विल क्वालिफाई इफ एवरीबॉडी इज स्टार्टिंग द सेम मटेरियल। सपोज जितनी भी पोस्टें हैं सारे मेरे ही स्टूडेंट्स लगते हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सपोज उनकी ही सिलेक्शन होती है, तो जिसकी हुई उसकी क्यों हुई और जिसकी नहीं हुई उसकी क्यों नहीं हुई, व्हाट विल बी द डिफरेंस। डिफरेंस इज दैट अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी डिफरेंस ये है कि एक तो खाली मुझ पे निर्भर मत रहो, डोंट डिपेंड ओनली ऑन मी। दूसरी बात, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, हद से ज्यादा मेहनत करने से बेटर है स्मार्ट वर्क करना, जो भी पोर्शन है उसमें से क्या पढ़े, कितना पढ़े, राइट? तो वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बना लीजिए। आई एम विद ऑल ऑफ द यू, मेरे लिए सभी एक समान हो, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि ये लगे वो लगे, मेरे लिए एक समान है यार, सभी लगे, लेकिन सब इतनी तो पोस्टें नहीं है, तो इसलिए योर वर्क शुड बी स्मार्ट एज कंपेयर टू हार्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। ओके, कम टू द पॉइंट। सो शबीर जी ने कहा पंचायत राज, आई विल डू दैट ऑल्सो। देन निसार अहमद खान जी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपने पर्सनली मुझसे बात करनी चाहिए, जो थोड़ा सा नामुमकिन है, सॉरी मैं अपना नंबर आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, थैंक यू वेरी मच। और बाय द वे, आप कुछ भी कमेंट में लिखेंगे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मिस मौसा मंजूर मीर ने एक बार मुझे लिखा है, सर आज आपका मूड ऑफ लग रहा है, बहुत प्यारा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच मंजूर जी, आपने इतना ध्यान दिया कि मतलब बोर्ड के अलावा आपने मुझ पे भी ध्यान दिया, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली रियली दैट डे आई थिंक आई वाज नॉट वेल, मैं ये नहीं कह सकता मुझे हुआ क्या था, फैमिली दूर है।